नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइच पे। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं L&T फाइनेंस के शेयर को लेके। अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों का मानना है कि L&T फाइनेंस में रिटर्न देखने को नहीं मिलता है, फिर L&T फाइनेंस को जो है फिलहाल देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेंगे जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है दोस्तों। अगर देखते हैं हम लोग 99 के ऊपर भी स्टॉक पहुंच गया था, 100 के ऊपर भी स्टॉक पहुंच गया था, उसके बाद एक भारी गिरावट शेयर में देखने को मिला है। अभी कुछ दिन से ये स्टॉक में या फिर L&T फाइनेंस की कंपनी में जो है कुछ अपडेट्स देखने को मिल रहा है, उसी के चलते स्टॉक में आप देखेंगे तो एक जबरदस्त तेजी भी हम लोगों को देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि L&T फाइनेंस का जो एक टारगेट प्राइस या फिर स्टॉप लॉस हमें लगता है मतलब एक ओवरव्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप शेयर खरीदते या बेचते तो खुद से भी एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। तो दोस्तों यहाँ पे L&T फाइनेंस में आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर भी हम लोग प्राइस देखेंगे तो एक भारी गिरावट देखने को मिला था। स्टॉक का प्राइस दोस्तों 59 रुपीज तक पहुंच गया था, 59 रुपीज तक पहुंच गया था, उसके बाद स्टॉक में एक तेजी देखने को मिला है। और वही देखते हैं वन मंथ के अंदर स्टॉक में 43.94% का जो है यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे तो फाइव डेज के अंदर स्टॉक जो है 2.89% का तेजी दिखा है, 1 डे के अंदर स्टॉक, एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1 महीने के अंदर स्टॉक जो है लगभग 43.94% का तेजी दिखा है, एंड 5 डेज के अंदर 2.89% का तेजी दिखा, 1 डे में स्टॉक 2.95% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर स्टॉक खरीदते हैं तो एक चीज है यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना है। क्या स्टॉप लॉस रखना है वो सब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे, और क्या टारगेट प्राइस रखना है वो भी हम लोग शेयर करेंगे जो हमारा ओवरव्यू है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में जो है एक अच्छा खासा तेजी बन रहा है। यहाँ पे आगे हम लोग NSE के वेबसाइट पे जो NSE का डेटा है देख सकते हैं कि ट्रेडेड वॉल्यूम शेयर्स को देखने को मिल रहा है 1,97,55,604, फेस बिलो 10.00 का, 52 का हाई प्राइस दिया है स्टॉक ने 101.10 पैसे का, एंड 52 का लो प्राइस दिया है 58.50 पैसे का। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन जो स्टॉक का दोस्तों डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस काइंडली लेवल देखने को मिल रहा है 67,44,550, एंड डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी का जो परसेंटेज है 34.14% के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बोल सकते हैं कि एक जो है ठीक ठाक खरीदारी फिलहाल जो है शेयर में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दिन पहले जो एक अपडेट आया था L&T फाइनेंस के शेयर में, जहाँ पे प्रोमोटर्स जो है उसका स्टेक जो है बढ़ा दिया है L&T फाइनेंस के शेयर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शेयर्स ऑफ L&T फाइनेंस होल्डिंग्स एज मच एज 16.2% ऑन वेडनेसडे, ये कुछ दिन पहले का अपडेट है। द मोस्ट सिंस देयर लिस्टिंग आफ्टर प्रोमोटर लार्सन एंड टोब्रो रेज्ड स्टेक इन द फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम थ्रू बल्क डील्स एंड मार्केट परचेसेस। तो यहाँ पे एक बल्क डील हुआ था जो कि NSE से हुआ था, उसके जरिए जो है लार्सन एंड टोब्रो ने जो है स्टेक बढ़ाया है L&T फाइनेंस में। वाइल L&T पिक्ड अप 21.22 मिलियन शेयर्स एट द एवरेज प्राइस ऑफ रुपीज 83.52 ऑन द NSE, द इंजीनियरिंग बेहमोत also bought another 20.27 million shares from the BSE. The combined transaction is valued at rupees 3.48 billion. तो यहाँ पे कुछ दिन पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ था, दो ट्रांजेक्शन हुआ था, एक NSE से एक BSE से, और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो प्राइस था 83.52 के आसपास एक ट्रांजेक्शन हुआ था 21.22 मिलियन शेयर्स का, एंड दूसरा हुआ था 20.27 मिलियन शेयर्स का, और दोनों का अगर कंबाइंड आप वैल्यू देखते हैं जो कि लगभग 3.48 बिलियन का है दोस्तों, तो बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। और उसके बाद से ही L&T फाइनेंस के शेयर में जो है एक तेजी हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अभी जो और एक अपडेट निकल के आ रहा है, वो ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द सिंगल लार्जेस्ट ट्रेड इन द बैड लोन्स इन्वॉल्विंग ए नॉन बैंकिंग लेंडर लास्ट फाइनेंशियल ईयर L&T फाइनेंस सेल्स लिटिल ओवर रुपीज 3400 करोड़ फ्रॉम इट्स स्ट्रेस्ड एसेट पोर्टफोलियो टू कोटक महिंद्रा बैंक बैक्ड बाई फोनिक्स ARC प्राइवेट इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। टू पीपल यहाँ पे जो है बताया गया, टू पीपल अवेयर ऑफ द मैटर टोल्ड ET को ये इन्फॉर्मेशन दिया गया। द सेल्स कम फाइनेंस कंपनीज आर बॉट विद इन द व्यू ऑफ स्ट्रिक्टर बैड लोन नॉर्म्स दैट अप्लाई टू ट्रेडिशनल लेंडर। यहाँ पे अभी बात आता है दोस्तों कि अभी इतने सब अपडेट हम लोग को देखने, दोस्तों यहाँ पे इतने सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे जो है इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं L&T फाइनेंस के शेयर में। तो अभी जिसके पास शेयर है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ओवरव्यू या फिर कोई लेना भी चाहते हैं ये शेयर, तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों 5 डेज के अंदर यहाँ पे जो है शेयर आप देख सकते हैं जो कि लगभग 80 रुपीज तक पहुंचा, उसके बाद शेयर में एक तेजी देखने को मिला। फिर से यह शेयर
एसडीआर जो है 80.25 पैसे तक पहुंचा, फिर से स्टॉक में एक तेजी देखने को मिला है। तो फिलहाल अगर आप ये शेयर खरीदते हैं दोस्तों, तो हमें लगता है कि 80.50 के आसपास आप एक टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं, और यहाँ पे माफ कीजिए 80.50 के आसपास जो है आप एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, और जो टारगेट प्राइस है हमें लगता है दोस्तों 87 से लेकर 88 के आसपास एक टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं, जो हमारा ओवरव्यू है। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते, रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप शेयर खरीदते हैं बेचते तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एलएनटी फाइनेंस के शेयर में क्या चल रहा है, एलएनटी फाइनेंस में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर